Take a TV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first, then you will get all the new notifications and updates. नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कायनात कवल और आप देख रहे हैं जेके टीवी। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। जिसकोल सहावत खान सुदरजोई श्रीनगर बरास्ता चकोटी आज़ादी मार्च के शुरका का जिसकोल में धरना 10वें रोज भी जारी। मौसम सख्तियों के बावजूद शुरका पुरज़्म। धरना कायदीन की जानब से 48 घंटों की मोहलत अभी बाकी। अकवामे मुत्तहदा P5 मेंबरान के नुमाइंदगान के अलावा मुज़ाकरात कबूल नहीं। धरनाए कायदीन, भूख हड़ताल, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग से खूनी लकीर रौंदने की इब्तदा समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। धरनाए कायदीन, हतमी फैसला पार्टी के मशावरत से ही किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग अभी जारी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान रफीक डार की धरनाए कायदीन के हमरा श्रीनगर रोड जसकोल के मुकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने दफ्तर हारजा पाकिस्तान को खत लिख दिया है। रफीक डार, मकबूजा कश्मीर 17वें रोज़ भी फौजी मुहासरा। वादी का दुनिया से राबता मुनकता। एहतजाजन तमाम दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट की शदीद मुश्किलात। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग ने पूरे खत्ते का अमन खतरे में डाल रखा है। राजा फारूक हैदर। आपने जानी अब एक नज़र खबरों की तफसीलात पर। जिसकोल धरना अपने 10वें रोज भी जारी। हतमी फैसला पार्टी की मशावरत से किया जाएगा। धरनाए कायदीन का कहना है कि हम पुरम लोग हैं, पहले दिन से तसादुम नहीं चाहते। मुतालबात पूरे ना हो सके तो तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा। धरनाए शुरका का कहना है कि 70 रोज़ से हमारे लोग मुकीद हैं। शुरका का मजीद कहना था कि श्रीनगर जम्मू जाकर अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कश्मीर में आलमी अमन फोर्स तैनात की जाए। सिक्योरिटी कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान के नुमाइंदे सीज़ फायर लाइन का दौरा करें। JKLF के आज़ादी मार्च और धरना में ताज़ा दम काफिले तसलसल के साथ पहुंच रहे हैं। इस बारे में वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा नईम खान से जानते हैं कि वो अब ताज़ा खबर क्या पेश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जम्मू कश्मीर टीवी इस वक्त एक और काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है और दीरकोट से जिला बाग से ये काफिला आया और इनका जोश व खरोश आप देख रहे हैं। सुबह से ही काफलों की कतारें यहाँ पर आती जा रही हैं और लोग शदीद जज्बाती अंदाज में, चूंकि कल के दिन की डेडलाइन हमने दी है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने, चूंकि कल की डेडलाइन दी हुई है, तो ये काफले आप देख सकते हैं। आयद हजबे इख्तलाफ चौधरी मोहम्मद यासीन भी JKLF के धरना में इजहार यकजहती करने पहुंच गए। तफसील जानते हैं जसकोल में मौजूद अपने नुमाइंदे माजिद से। जी माजिद, यासीन साहब आप क्या कहना चाहेंगे, इस धरने में आपने शिरकत की है, आप कायदे पे इख्तलाफ भी हैं, आप किस किस्म का रोल प्ले कर सकते हैं इनके जो मौकफ है उसको हल करने के लिए, इनके मुतालबात जो हैं उनको हल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ इनका जो जज्बा है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। 11 दिनों से जो है JKLF की लीडरशिप और उनके जो वर्कर्स हैं यहाँ एक अजीम मकसद के सूर के लिए यहाँ बैठे हैं और हम इनके, मैं ये समझता हूँ कि सबका काज एक है, नज़रियात अपने जगह, लेकिन रायशुमारी का जो मुतालबा है वो सबका है। रायशुमारी होगी तो सब उसको कबूल करेंगे। जितना जुल्म और जबर हो रहा है हिंदुस्तानी फौज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कर रही है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और अकवाम आलम को, अकवाम मुत्तहदा को, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं
मैन जो प्लेयर है, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो फिल फोर जो है वो हिंदुस्तान को इस बात पे जो है मजबूर करें कि वहाँ जो कर्फ्यू जो है वो लिफ्ट करें और लॉकडाउन ख़त्म करें। तो ये यहाँ इस धरने के वाले से जो मुतालबा जे के एल एफ की लीडरशिप का है कि पी फाइव के जो ममालक हैं उनकी उनके एम्बेसडर जो है यहाँ आने चाहिए, यूएन के जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए, उसकी मैं कमज़ोर बात में हमायत करता हूँ। तो मैं आज जाकर प्राइम मिनिस्टर से भी बात करूँगा कि वो खुद भी यहाँ आए और जे के एल एफ की लीडरशिप से बात करके जो है वो इस मसले का निकालें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हरदिल अज़ीज़ रहनुमा और मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइज़र राजा हक नवाज़ खान साहब। हम उनसे जानते हैं कि इस आज़ादी मार्च और धरने से जे के एल एफ़ ने क्या खोया और क्या पाया और मज़ीद उनकी क्या हिकमत अमली होगी। जी राजा साहब। जी 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 कायनात, आपने जो सवाल पूछा है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने इस धरने में क्या खोया और क्या पाया, हम ये समझते हैं कि हमने तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत ज़्यादा इसमें पाया है। पहली बात तो यह है कि हमारे आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने चौक दर चौक उसमें शमूलियत अख्तियार की है और बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक नज़रिया, बिला तफरीक मसलक लोगों ने और तमाम पार्टियों की सफ़े अवल की क़्यादत ने वहाँ जाके हमारे साथ क्या मतलब जो है ना वो वहाँ यकजहती का इज़हार किया है। इससे हट के तो पूरी दुनिया के अंदर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस धरने के हवाले से जो है वो यानी हर जगह पे यानी जहाँ कहीं भी कश्मीरी दुनिया के जिस भी कोने में हैं कोने में हैं वहाँ उनके हौसले बुलंद हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई हुई है, उनकी उम्मीदों में इजाफा हुआ है और जो कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो कहीं कमी पेशी थी लोगों में कि तहरीक आज़ादी के हवाले से कोई काम नहीं हो रहा, तो उस काम के हवाले से लोगों में जो है ना एक बड़ा भरोसा पैदा हुआ है और हम समझते हैं कि हमारा जो है ना ये इकदाम तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक नया मोड़ है और एक नया ये टर्न है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने आज़ादी और खुदमुख्तारी का जो मिशन है उसमें जो हमारा जो मिशन है हम उसको जारी रखेंगे और ये जो हमारा धरना है ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक यूँ तो बहुत सारे मकासद हमने हासिल कर लिए हैं लेकिन फिर भी हमने जो कुछ जो है ना कुछ जो बाकी जो चीज़ें हैं इस धरने के हवाले से तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो जब तक पूरी नहीं होती तो हम जो है वो अपना धरना जो है वो जारी रखेंगे। और अभी चूँकि भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ है, कायदीन ने जो है ना वो भूख हड़ताल शुरू की हुई है, ये भूख हड़ताल भी रहेगी और ये जब ख़त्म होगा मरहला तो उससे आगे हम नए मरहले का ऐलान करेंगे जो एक नया उमंग होगा जम्मू कश्मीर के तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए। नाज़रीन कोहोटा से खबर आई है कि कॉम्प्रेस इत्तेहाद पीएनए के कारकुनान को पुलिस ने 4 घंटे हबसे बेजा में रखकर छोड़ दिया। ये कारकुनान तहरीक आज़ादी और अहले रियासत पर मुजालिम के खिलाफ पम्पलेट्स तकसीम कर रहे थे। पुलिस ने तमाम लिटरेचर और झंडे भी जब्त कर लिए। इस खबर की वजह से दुनिया भर में कौम परस्तों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इधर बरतानिया जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल अलायंसिस का अहम इजलास मुनक़द हुआ जिसमें कहा गया कि 21 अक्टूबर को पीएनए के मार्च को रोकने की कोशिश की गई तो बैन अल-क़वामी सतह पर जवाब दिया जाएगा। बरतानिया में पीएनए के पहले इजलास में मुख्तलिफ जमा का इजहार ख्याल। बरतानिया से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे कबीर अहमद ख्वाजा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ बरतानिया के शहर नॉटिंगम में जहाँ इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल हिस्से में बनने वाले नए कोअलिशन पीएनए का बरतानिया में आज ये पहला इजलास जारी है। इस वक्त यहाँ तकरीबन कोअलिशन में शामिल तमाम ही पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं और एक सैर हासिल डिस्कशन की जा रही है। यकीनन पीएनए ने एक प्लान एक ऐलान कर रखा है जिसके मुताबिक वो 21 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। इस हवाले से बरतानिया में मौजूद तमाम कौम प्रेस तंजीमों के नुमाइंदे जो यहाँ मौजूद हैं और जो पीएनए का हिस्सा हैं वो इस मार्च को अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिला रहे हैं। यकीनन सफारती सतह पर रहते हुए ना सिर्फ उन लोगों का काम बनता है जो वहाँ मैदान अमल में होते हैं बल्कि यही लोग जो बैन अल-अक़वामी सतह पर मौजूद होते हैं इनका एक अहम काम बनता है कि वो सफारती सतह पर अपने वतन पर काबज़ उन काबजीन के खिलाफ किस तरह दुनिया में अपनी राहों को हमवार करके अपनी कौम और अपने वतन को
وہ کھوئی ہوئی پرانی حیثیت دلا سکیں۔ آج کا یہ اجلاس آنے والے وقت میں یہ ثابت کرے گا کہ کیا یہاں کی جانے والی باتوں پر عمل بھی کیا جاتا ہے یا ہمیشہ کی طرح یہ بھی سیاست کی نظر ہو جائیں گے۔ اسی پر اجازت چاہوں گا، دیگر تفصیلات جے کے ٹی وی کی مکمل رپورٹ میں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ ناظرین، جس کول دھرنے نے جہاں پر عالمی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کیے ہوئے ہے، وہاں کشمیر جنت نظیر کی ایک اور خوبصورتی بھی سامنے آئی ہے۔ جس کول چناری کے مقام پر ہونے والے دھرنے کی وجہ سے ایک خوبصورت آبشار دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں نعیم خان، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے رحیم نعیم آپ کے ساتھ حاضر ہوں جے کے ٹی وی سے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ آبشار آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ پانی نیچے اتر رہا ہے، کتنی زبردست اس کی آواز ہے۔ کیا یہ پیغامات ہیں لوگوں کے، یہاں پر لوگ کیوں آ کے اکٹھے ہوئے ہیں آج دیکھ رہے ہیں۔ نیچے اگر میں دکھاؤں تو یہاں پر بڑی تعداد میں انتظامیہ بھی موجود ہے جو یہاں اس آبشار سے کیسے لطف اندوز ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اگر میں دکھاؤں تو شرکائے دھرنا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آبشار کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکتے کیونکہ یہ ملکیت ہے ان لوگوں کی، لیکن یہاں پر ان لوگوں کو روکا جا رہا ہے، انہیں یہاں پر آنے نہیں دیا جا رہا۔ کیا ایسا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی تمام جو ہے کشمیر کی جو حکومت ہے وہ ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تک انہوں نے یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ یہ لوگ آگے بڑھ کے اس جگہ تک آگے پہنچے۔ اللہ الرحمن الرحیم، جے کے ٹی وی نعیم آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں اس وقت جس کول کے مقام سے۔ ابھی میں آپ کچھ دوستوں سے آپ کو ملوانے والا ہوں جو بھوک ہڑتال پہ ابھی سے بیٹھ چکے ہیں، چونکہ جے کے ایل ایف کا جو اعلان تھا وہ صبح سے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ دوست کفن بھی انہوں نے پہن رکھا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میرا اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے اس طرح سے تو دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ جی، میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت، اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی نہیں بھائی، ہم سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، چونکہ ہماری قیادت نے بھی آج جو پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا ہے کہ سارے لوگ گھروں سے نکلیں۔ بنیادی طور پر ہم یہاں ایل او سی کے اوپر آگے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہندوستان پاکستان کی کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہاں ایل او سی کے اوپر جو شیلنگ ہو رہی ہے جس سے ہمارے بھائی متاثر ہو رہے ہیں، ہم وہ جذبہ لے کے وہ جوش لے کے جو ہے یہاں ایل او سی کے اوپر آئے، اور کشمیر کے اندر جو پریکٹیکلی ایک عرصے سے کرفیو لگا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہم جو اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور سارے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، آج بھی اگر لوگ نہیں باہر نکلیں گے تو جس طرح ہماری موومنٹ جو ہے 47 میں جب ہم اس سے پہلے ہم ایگزسٹ کر رہے تھے ایک اسٹیٹ کی صورت میں، تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جب ہندوستان اور پاکستان کی ڈیون ہوئی، اور اس کے بعد شیخ عبداللہ صاحب نے بھی ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ کشمیر کی ایک تاریخ میں ایک بڑے وہ لیڈر بھی رہے، ان کو جب جیل میں بند کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد جب ان کو جیل سے رہا کیا گیا تو وہ کشمیر کے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد طویل ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور 88 میں جے کے ایل ایف نے پھر دوبارہ سے جو ہے وہ باضابطہ طور پر جدوجہد کا آغاز کیا، اور اس کے بعد آج آپ یہ دیکھیں کہ تحریک کس موڑ پہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے، اب لوگ نہیں نکلیں گے تو پھر یہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، تحریک نہیں ختم ہونے والی، چونکہ بنیادی طور پر یہ تحریک جو ہے وہ اس میں ایک لاکھ شہدا کی قربانی ہے، اس میں لوگوں نے اپنی زندگی جیلوں کی نظر کی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک ختم ہو، انشاءاللہ یہ تحریک منزل تک ضرور پہنچے گی، لیکن لوگوں کو اس وقت نکلنا چاہیے، ہر آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی وہ شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ الرحمن الرحیم، جے کے ٹی وی نعیم جس کول کے مقام سے اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ موجود۔ ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور بھوک ہڑتال کا اعلان جو ہوا تھا آج، تمام لوگ جو یہاں پر ہیں سب بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں قاری نصیر صاحب جو ہیں وہ کیسے پیغام دے رہے ہیں۔ ساڈے نکے ہو گئے خالی، لٹ کے کھا گئے سارے پاکستانی، ہن تلے نے دریا ساڈے نو، ہن تلے نے دریا ساڈے نو، مکانا چاندے اتھو پانی، اے قوم لٹے رے پاکستانی، آئے ظالمو اے سارے نکے، کٹ کے لے گئے لکڑی ساری، مکانا چاندے ہو سانو،
मुकाना चाहते हो पानी साडा तुसा घूमो पाकिस्तानी। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि करी नसीर साहब ने इस वक्त कश्मीरी मर जावे यहाँ पर फिर असा कब्जा करिए शायरी शुरू कर दी है और बड़ी तादाद में लोग इनके पास आकर बैठे हैं। और भूख हड़ताल में भी इस वक्त भूख हड़ताल भी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर शुरू है। लाइन ऑफ कंट्रोल देरी नेजापीर हवेली हाजी पीर सेक्टर में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग जारी। इतलात के मुताबिक हवेली हाजी पीर सेक्टर गाउंकाइयां में भारतीय फ़ौज की फायरिंग अभी तक जारी। भारतीय फ़ौज की फायरिंग से इसहाक फारूकी और मलिक सफ़ीर अवान का मकान गोला लगने से तबाह। गुज़श्ता रात को इंडियन फायरिंग से देहरी में गुलशाद इकबाल जोजा अब्दुलरहमान जख्मी हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल नेजापीर सेक्टर के गांव भेडी के मुकाम पर भारतीय आर्मी की फायरिंग जिससे एक शहरी मोहम्मद इखलाक वल इस्माइल खान साकन बेडी जख्मी हो गया। राजा फारूक हैदर की भारतीय फायरिंग से जख्मी अफराद की अयादत और इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले गयूर आवाम की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ जो अपना खून देकर तहरीक आज़ादी में हिस्सा डाल रहे हैं। राजा फारूक हैदर का मजीद कहना था कि कंट्रोल लाइन से कोई शख्स नकल मकानी नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि भारत की किसी भी शर अंगेज़ी और मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी अफवाज तैयार हैं। Take a TV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first. Then you will get all the new notifications and updates.